हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। आई एम कविता शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है। आपके भी बहुत सारे ड्रीम है और आप मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग में अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं, और टीचिंग के लिए जो पहले दिन जाते हैं तो वो इतना नर्वसनेस रहते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जरूरी है, सबसे पहले दिन ये सबसे बड़ी बात जाननी बहुत जरूरी होती है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, जिस संस्था में आप जा रहे हो, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आप उसके रूल रेगुलेशन के बारे में अवेयर हो, उसकी पॉलिसीज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है, आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ आपको फैमिलियर होना चाहिए, उनके साथ आपको कन्वर्सेशन करनी चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए। और आफ्टर देन जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग क्लास तो करनी ही पड़ेगी, आपको टीचिंग तो करना ही होगा। और आप जब टीचिंग क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका मैटर एकदम प्रिपेयर हो। और आप बिना उस मैटर के जाओगे तो बच्चे क्या करेंगे, आप पे हंसेंगे कि टीचर को कुछ नहीं आता है, टीचर तो बकवास। लेकिन आप अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके जाओगे कि आप जाते ही अपनी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग उन बच्चों को ट्रीट करोगे और उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाओगे। जाके बच्चे सबसे पहले, ये जरूरी नहीं है आप जाते ही पढ़ाने ही लग जाओ, सबसे पहले हम क्लास में एंटर करेंगे और बच्चों से सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं, जैसे कि मैं आपके सामने बता रही हूँ कि मैं कविता शर्मा हूँ, मैं गुरुग्राम से बिलोंग करती हूँ, लाइक दिस आप भी बच्चों को बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है। उसके बाद आप कक्षा के सभी विद्यार्थियों से उनके बारे में जानोगे, उनको पहचानोगे, उनके बारे में जानना चाहोगे और तभी आप स्टार्ट करोगे उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे। कुछ बातें आप उनसे जानोगे, कुछ वो आपको बताएंगे, आप उनके साथ एक फ्रेंडली हो जाओगे, आप वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंडली बनाओगे। और उस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाते ही बच्चे आप में इतने घुल जाएंगे, इतने इंटरेस्ट लेंगे कि आपकी जो भी बातें हैं वो बिल्कुल अट्रैक्टिवली सुनेंगे सब। और मोस्ट वन थिंग इज दैट अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अट्रैक्ट हो, बच्चा भी चाहे कि हाँ मुझे उस मैडम से पढ़ना है, वो मैडम मेरी क्लास में आए और मुझे उस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करके जाएं और अपना बेस्ट से बेस्ट बच्चों को दें। और सबसे पहले दिन ये नहीं कि हम क्लास में जाते हैं हमने इतना बड़ा टॉपिक लेके बैठ जाए कि बच्चे भी बोर हो जाए पहले दिन ही। तो पहले दिन हमें करना क्या है कि हमें सबसे इजी टॉपिक बच्चों को लेके चलना, बच्चों को पढ़ाना है और उसमें बच्चों को बताना है कि आप इस टॉपिक से शुरुआत कीजिए, ये सबसे इजी टॉपिक है। और इजी टॉपिक जो होगा वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा और बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे उसे समझने में। और लेकिन अगर हमने बहुत बड़ा टॉपिक उनको पढ़ा दिया तो वो बच्चे बोर हो जाएंगे कि मैडम तो सारे दिन ही इतने बड़े 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 टॉपिक पढ़ाएगी, और बिल्कुल बोर हो जाएंगे और आपसे वो बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो गाइज आप भी इस रूल्स को अपनाएं, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो जाती हैं जो वो रूल्स को फॉलो करती हैं और वो भी ये सारे ट्रिक्स जो अपनाती हैं बच्चे उनके साथ बहुत ईजिली फैमिलियर हो जाते हैं। तो हमें बच्चों को सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, फैमिलियर बनाना है, फ्रेंडली होना है उनके साथ, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि हमें टीचिंग में एक्सीलेंसी देनी है। और हम अपनी एक्सीलेंसी तब दे पाएंगे जब हम बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर पाएंगे और वो भी हमसे ऐसे बात करें, वो भी अपनी सारी बातों को खुल के बताए, हमसे अपनी बातों को शेयर करें, तो ही हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली हो। तो गाइस मेरे ये सारे टिप्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे आपके फर्स्ट डे। फ्रेंड्स मैं अब आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने बीएड अपना ख़त्म किया था तभी मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया था, और उस टीचिंग के दौरान जब मैं फर्स्ट डे मैंने स्कूल विजिट किया और स्कूल में मैं गई, तब मैंने क्लास में एंटर किया तो बच्चे सारे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। जैसे ही क्लास में मैंने एंट्री ली तो बच्चों को लगा कि कोई आया है तो बच्चे देखने, लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया, मैंने उन्हें कुछ क्रियोसिटी, कुछ क्रिएटिव
ऐसी इंटरेस्टिंग उन्हें स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुना के मैंने उसको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे वो देखने लगे कि हाँ मुझे भी ये इसके बारे में जानना है, उनके इनके साथ इनसे पढ़ना है और इनसे कुछ जानने की मुझे ज़रूरत है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको भी बच्चों के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के साथ फ्रेंडली होंगे तभी आप उनको पढ़ा पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज कहेंगे, बच्चे कहेंगे ये तो खड़ूस टीचर है, कुछ नहीं आता है इसको, ये तो मारता है ये, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं बाद में, बहुत टीचर्स के सबसे ज़्यादा जो नाम होते हैं वो बच्चों के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो गाइज, आप ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर अपने जीवन में लेके आए, और जब आप पहले दिन अगर स्कूल में जा रहे हैं तो आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको उस पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए, आपको उन बच्चों के बारे में जानना चाहिए, उनको इंट्रोडक्शन देना चाहिए और अपना इंट्रोडक्शन भी उनको दें, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे बच्चों को ऐसे लेके आए कि वो बिल्कुल उसको एक बोरियत उनको महसूस ना होए और एक इजी वे में उसको वो लेके जाए। फ्रेंड्स, अब मैं उन प्रॉब्लम से आपको अवगत कराती हूँ जो एक टीचर को फर्स्ट डे स्कूल में फेस करनी पड़ती है। तो जैसे प्रॉब्लम है कि आप क्लास में गए और आप जैसे ही आप पढ़ाने लगे, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन अगर आती है तो क्या करना चाहिए कि आप बच्चों को ऐसे इजी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी या एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू उसको टॉपिक पे लेके जाएं कि उन्हें पता ही ना चले कि वो कब आपके टॉपिक पे आ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं। कई बार आपने ऐसे भी देखा है कि क्लास में एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, देन आपको क्या करना चाहिए जो आपके बार बार आपके लेक्चर में डिस्टर्ब करते हैं? तो यू शुड बी डू वन थिंग इज दैट कि उन बच्चों को आपको सबसे पहले जब क्लास में जाते हैं तो अगर ऐसे एक दो बच्चे तो आप उनको पहले ही उस चीज़ के लिए भेज दें, उसके बाद आप उनको बोल दें कि पूरे जो 20 अगर इमरजेंसी है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यूटी रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कई सिचुएशन आती हैं कि बच्चे हम काम करते रहते हैं अपना, लेकिन बच्चा जो है वो इग्नोर कर देता है आपको। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा देखता नहीं है, सुनता रहता है आपको, लेकिन आपको लगता है कि हमें वो ऐसा फील कराता है कि जैसे वो हमें इग्नोर कर रहा है। तो उस सिचुएशन में भी हमें उस बच्चे को ही अपना अटेंशन देना चाहिए, और उस बच्चे से हमें जो चीज़ हम उसे पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में हम उसे जो टॉपिक हम समझा रहे हैं, तो एग्जैक्टली उस बच्चे से हम उसके बारे में पूछते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप उस टॉपिक को समझा रहे हो और वो बच्चा आपकी तरह आपको इग्नोर कर रहा है समझ में, तो ऑब्वियसली उसको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा होगा। तो आप उसे उठा के उसे पर्सनली उससे पूछोगे कि क्या आपको मैंने जो अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया? तो बच्चा आपको रिप्लाई देगा, और रिप्लाई बच्चा सोचेगा कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, तो आप उसे दोबारा सुनने के लिए कहेंगे, और फिर वो अपना जो इग्नोर जो उसकी जो वो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो आपकी तरफ लगा देगा और वो आपको ध्यान से सुनेगा। आई होप यू गाइज यू गैट ऑल इन्फॉर्मेशन थ्रू मी इन दिस सेशन, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक दिस लाइक एंड सब्सक्राइब।